आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी मैम। यस मैम आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, थायराइड हार्मोन्स, और इनका हार्मोन्स का पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और जितने भी सिस्टम्स हैं सब पर जो है वो ये अफेक्ट करते हैं। ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है, दो लोब होते हैं इसके, और जो लैरिंग्स होता है उसके नीचे होता है ट्रैकिया के सामने, इंटीरियर टू ट्रैकिया होता है। ये एस्थिमस के थ्रू जो है ये कनेक्ट होते हैं दोनों लोब्स आपस में। रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पार्टिसिपेट्स इन नॉर्मलाइजिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and energy levels and proper functioning and maintenance of tissues and organs. जितने भी body के tissues and organs हैं उन पर भी इसका effect है। उसके अलावा ये growth और development करता है, energy levels को maintain रखता है। Critical for the nervous, skeletal and reproductive tissues. It affects secretions and degradation rates of all other hormones. फंक्शंस इसके ये थ्री हार्मोन्स प्रोड्यूस टोटली करता है, सेक्रीशन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, ट्राइआइडोथायरोनिन T3, थायरोक्सिन T4, इसको टेट्राआइडोथायरोनिन भी कहते हैं, और उसके अलावा कैल्सिटोनिन करता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। अच्छा, थायराइड फिजियोलॉजी, आयोडाइड मेटाबोलिज्म, the recommended daily adult iodide intake is 150 millicentigram. ये requirement है daily कितनी चाहिए होती है हमारी diet के अंदर। Biosynthesis of thyroid hormone, transport of thyroid hormone, thyroid hormone thyroxine binding globulin इसके साथ bind होता है, जो thyroid hormones होते हैं T3 और T4, ये प्लाज्मा में होता है, इसके साथ जाकर जब वो बन जाते हैं तो वो जब ब्लड में दोबारा जाते हैं और पेरिफेरल टिश्यूज में जाते हैं, तो जब ब्लड में जाते हैं तो वो थायराइड थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो जाते हैं T3 and T4। ये अबाउट 0.04% ऑफ द टोटल T4 एंड 0.4% ऑफ T3 एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में इसकी ये परसेंटेज है 0.04% T4 है और 0.4% T3 है, और ये बाउंड होता है किसके साथ, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। बेसिकली कुछ याद है कि हाइपोथैलेमस जो था वो थायराइड रिलीजिंग थायरोट्रोफीन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता था, कुछ किसी को आइडिया कुछ याद हो? ये किसी को याद है कि जो हाइपोथैलेमस जो मैसेज देता था पिट्यूटरी ग्लैंड को कि रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता था, जिसको थायरोट्रोफीन रिलीजिंग हार्मोन कहते थे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियरली जाकर अफेक्ट करता था, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उसके अकॉर्डिंगली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH प्रोड्यूस करता था।
अब वो टीएसएच हार्मोन जो है वो क्या करेगा कि थायराइड के अंदर कहेगा कि आयोडाइड अपटेक किया जाए, जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडाइड अपटेक करेगा हमारी डाइट के अंदर से। अब वो जो आयोडाइड अपटेक करेगा उसको हम आयोडाइड ट्रैपिंग भी कहेंगे कि ट्रैप हो गया आयोडीन, थायराइड ग्लैंड के अंदर आ गई है। अब इसमें ये देखें ट्रांसपोर्ट हो रही है, अगर समझ आ रही है आप लोगों को। जी मैम आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, आयोडाइड हमारी डाइट में है, आयोडाइड ट्रांसपोर्ट होकर आयोडाइड अंदर आ जाएगा थायराइड ग्लैंड के अंदर। ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ऐसे गोल गोल से फॉलिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, फॉलिकल सेल्स क्या होते हैं, जो इनको फॉलिकल सेल क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स बना रहते हैं, गोल गोल शेप के फॉलिकल्स होते हैं। अब वो मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड बाद में बीच में डाल दूंगी। राउंड राउंड से फॉलिकल्स होते हैं ग्लैंड के अंदर। अब फॉलिकल्स जो उनकी लाइनिंग फॉलिकल सेल्स बना रहे होते हैं, फॉलिकल सेल्स, और इसके अंदर ये जो राउंड राउंड से होते हैं, रिंग शेप्ड होते हैं, इनके अंदर कोलाइड होता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर रिंग शेप फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स की लाइनिंग जो सेल्स बनाती हैं वो फॉलिकल सेल्स कहते हैं, और फॉलिकल सेल्स जो है वो स्क्रीट आउट करती हैं कोलाइड। कोलाइड फ्लूड होता है जो फिल कर देता है उन फॉलिकल्स फॉलिकल्स को। तो फॉलिकल्स के अब ये हो रहा है कि अपटेक ऑफ आयोडीन हुई, यानी आयोडाइड हुआ, आयोडाइड फॉर्म में ये अपटेक हो गया, इसको ट्रैपिंग कहेंगे आयोडाइड की। आयोडाइड ने ट्रैप कर लिया इसको, और पर ऑक्सीडेज की एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगी आयोडाइड की और ये आयोडीन बन जाएगा। ये इसका पहला स्टेप था, जब अपटेक हुआ आयोडाइड उसकी ट्रैपिंग होगी। दूसरा स्टेप जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन होगी वो आयोडीन बन गया। अब आयोडीन जो है उसकी तीसरी जो तीसरा होगा वो ये होगा कि आयोडीन जो है वो आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन हो जाएगी, यानी आयोडीन जो बन चुका है आयोडाइड से, अब वो आयोडीन जो है वो जाकर थायरोग्लोबुलिन के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है थायरोग्लोबुलिन, बेसिकली ये वाला जो प्रोसीजर है जिसमें आयोडीन जो है वो थायरोग्लोबुलिन में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, ये उस कोलाइड के अंदर हो रहा होता है। मैंने बताया था फॉलिकल सेल्स होते हैं रिंग शेप, उन फॉलिकल सेल्स की लाइनिंग जो है वो फॉलिकल सेल रिंग शेप्स फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल सेल से बने हुए होते हैं। फॉलिकल सेल जो है वो कोलाइड रिलीज करता है, उस वो कोलाइड फील्ड होते हैं, वो कोलाइड एक फ्लूड है और उसका एक हिस्सा जो है वो थायरोग्लोबुलिन है, यानी थायरोग्लोबुलिन भी फॉलिकल सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्क्रीट कर रहे हैं। अब ये थायरोग्लोबुलिन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक सब्सट्रेट के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी यहाँ आयोडीन आकर इनकॉर्पोरेट हो रहा है, इसके अंदर से टायरोसिन एक रेजिड्यू है जो थायरोग्लोबुलिन उसको देगा, टायरोसिन अपने अंदर से, और आयोडीन और टायरोसिन मिलके जो है वो MITDIT बनाएंगे, या मोनो आयोडाइट टायरोसिन और डाई आयोडाइट टायरोसिन, ये कंबाइंड बनाएंगे। अगर तो एक मॉलिक्यूल आयोडीन का मिलेगा टायरोसिन के साथ तो मोनो बना जाएगा, और अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐड अप होंगे, दो मॉलिक्यूल्स मिलके अगर आयोडीन के दो मॉलिक्यूल्स यूज होंगे तो वो डाई आयोडाइड टायरोसिन बनाएगा, और ये थायरोग्लोबुलिन के साथ ये अटैच होगा, ये MITDIT। फिर क्या होगा कि MITDIT यानी मोनो आयोडाइड टायरोसिन अपना एक मॉलिक्यूल, अगर इसका एक यूज होगा और ये क्या बनाएगा T3T4 बना देगा, या फिर दोनों मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल MIT का यूज होगा और एक DIT का यूज होगा, एक मोनो आयोडाइड टायरोसिन का और दूसरा डाई आयोडाइड टायरोसिन का यूज होगा, ये दोनों मिलकर T3T4 बनाएंगे, या फिर DIT जो है उसके दो मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे, या MITDIT यूज होगा, ये दो मॉलिक्यूल्स DIT के यूज होंगे, T3T4 बना देंगे। अब ये MITDIT सारा यूज नहीं हो रहा, कुछ यूज होकर T3T4 बना रहा है और कुछ उसी तरह ही पूरा कंपाउंड बना दिया है जो अभी भी थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच है। थायरोग्लोबुलिन वो था जिसने टायरोसिन प्रोवाइड की थी आयोडीन को, जिसके साथ मिलके जो है MITDIT बना है, फिर MITDIT जो है T3T4 में कन्वर्ट हुआ है। ये पूरा कंपाउंड जो है थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच है।
अब क्या होगा कि ये सारा उसमें हो रहा है, वो जो फॉलिकल, एक फॉलिकल के अंदर जो कोलाइड था, जो फ्लूड भरा हुआ था, उसमें थायरोग्लोबुलिन उसका एक कंपोनेंट था उसका कोलाइड का। अब ये था क्या कर रहा है कि MIT, DIT, T3, T4 जो है इसकी प्रोटियोलैटिक एंजाइम्स आएंगे और प्रोटियोलाइसिस कर देंगे और T3, T4 रिलीज कर देंगे। T3, T4 जो है पेरिफेरल टिश्यूज में जाएगा। T4 जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट होती है हमेशा टिश्यूज में T3 में जाकर, और फिर T3 जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अभी तक ये समझ आएगा सबको? कोई चीज जो इसमें ना समझ आई हो? यस मैम आ गई है। ठाकुर की आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैम आ रही है आपकी आवाज। अच्छा समझ आ गया, जरा ऊंचा सा बोले, इसका मुझे आवाज नहीं आ रही। यस मैम आ गई है। जी मैम आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें आयोडाइड अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ थायराइड ग्लैंड के अंदर। फिर जो सेकंड स्टेप में आयोडाइड आयोडीन बना ऑक्सीडेशन होकर। फिर थर्ड स्टेप के अंदर ऑर्गेनिफिकेशन होगी आयोडाइड की, आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन होगी, यानी आयोडीन जो है वो इसके थायरोग्लोबुलिन में से टायरोसिन लेकर उसके साथ इसने MIT DIT बना दिया। फिर फोर्थ में क्या होता है, कपलिंग होती है, कपलिंग या फॉर्मेशन ऑफ T3 T4। कपलिंग ये होगा कि MIT DIT मिल जाएंगे या दो मॉलिक्यूल्स DIT के मिलके T3 T4 बना रहे हैं। अब ये सारा जो है ये ब्रेक हो जाएगा, T3 T4 जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो प्रोटियोलाइसिस कर देंगे इसकी। T3 T4 जो है ये फिर ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड से टिश्यूज के अंदर जाएगा, जब टिश्यूज अब ब्लड में ये जब जा रहा है तो यहाँ पर ये बाइंड प्लाज्मा के अंदर जो इसकी थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसके साथ बाइंड हो जाएगा। फिर ये पेरिफेरल टिश्यूज में अगर चला जाता है तो T4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा T3 फॉर्म में और एक्शन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है थायोनाइल क्लोराइड आयोडाइड्स थायोअमाइड्स, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म में अफेक्ट है इन ड्रग्स का, कि ये T3 T4 बनना जो है थायराइड हार्मोन पर अफेक्ट करती है कि वो कम हार्मोन या तो सेंथिसाइज करें या कम हार्मोन्स जो है वो रिलीज करें थायराइड, या फिर ऐसे बीटा ब्लॉकर्स यूज किए जाएं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज किए जाएं, या आगे ड्रग्स हैं, बेसिकली ड्रग्स हैं जिनका अफेक्ट दिखाया हुआ है नेगेटिव अफेक्ट, कि ये हार्मोन रिलीज ना हो, ये हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं T3 T4, तो उसके लिए फिर हम जो है वो ड्रग्स यूज करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। ये वही मैकेनिज्म है, ये वो कोलाइड है, ये जो है ये पूरा एक आप ले लें कि फॉलिकल है जिसके अंदर ये सारा बताया हुआ है, थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल ये ग्लैंड है और ये फॉलिकल सेल्स ये हैं, ये जो इसकी लाइनिंग बनाते हैं, ये एक पूरे फॉलिकल का इन्होंने बताया हुआ है, उसके अंदर एक कोलाइड दिखाया हुआ है, गोल गोल से ऐसे होते हैं फॉलिकल्स, ये फॉलिकल फॉलिकुलर सेल्स लिखा हुआ है जो फॉलिकल बनाते हैं, ये कोलाइड है जिसके अंदर ये सारा हो रहा है, जिसमें आयोडीन जाकर कोलाइड के, अब ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कोलाइड के अंदर चला गया है। कोलाइड के अंदर जो है ये एक फॉलिकल बताया हुआ है, फॉलिकुलर सेल है जिसमें फॉलिकुलर सेल जो होता है ये लाइनिंग जो है, फॉलिकुलर सेल जो होता है ये थायरोग्लोबुलिन रिलीज करती है, कोलाइड बनाती है, कोलाइड जो होता है ये इसके अंदर आयोडीन जो है, आयोडीन फिर वो टायरोसिन लेकर MIT DIT बना रही है, फिर MIT DIT की कपलिंग हो रही है, ये फिर यहाँ से MIT DIT अब रिलीज होना है, इसने T3 T4 रिलीज करना है, ये पिनोसाइटोसिस हो रही है इसकी। ये चार पांच स्टेप्स हैं, पांच ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पहले आयोडाइड की ट्रैपिंग होगी, फिर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फिर आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन हो जाएगी जिसमें आयोडीन जाकर थायरोग्लोबुलिन के साथ इनकॉर्पोरेट हो रहा था ताकि टायरोसिन जो इसमें से यूज करे, फिर फॉर्मेशन ऑफ T4 and T3 है, फॉर्मेशन ऑफ T4 and T3 MIT वो बना रहे थे, MIT का एक मॉलिक्यूल और DIT का मॉलिक्यूल कपलिंग हो रही थी उनकी, या फिर दो DIT मॉलिक्यूल्स लेकर
फॉर्मेशन ऑफ T4 एंड T3 कर रहे थे, फिर ये प्रोटियोलेटिक एंजाइम्स यहाँ पर एक्ट कर रहा था और T4 एंड T3 को रिलीज करवा रहा था ब्लड के अंदर, फिर वो पेरिफेरल टिश्यूज में जा रहे थे जहां T4 की कन्वर्जन हो रही थी दोबारा T3 के अंदर। ये वही पाथ लिखा हुआ है, पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन द प्राइमरी पाथवे फॉर द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ थायरोक्सिन T4 इज डी आयोडिनेशन। जब T4 की डी आयोडिनेशन हो जाएगी तो वो T3 बन जाएगा। डी आयोडिनेशन ऑफ T4 में ऑकर बाय मोनो डी आयोडिनेशन ऑफ द आउटर रिंग प्रोड्यूसिंग 3,5-3 ट्राइडोथायरोनिन T3 विच इज 3-4 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4। इसकी पोटेंसी ज्यादा है। ये एक चार्ट दिया हुआ है थायराइड हार्मोन्स दोनों के काइनेटिक्स कंपैरिजन किया हुआ है। जो T4 है उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर है, सबसे कम है, और T3 की ज्यादा है। इसी तरह जो इसके अंदर क्लियरेंस है T4 की 1.1 लीटर है, इसकी जो T3 है उसकी ज्यादा है 24 लीटर है। हाफ लाइफ जो है वो T3 की कम है। बायोलॉजिकल पोटेंसी जो है वो T3 की ज्यादा है, T4 की कम है। फ्री फॉर्म जो है वो T3 की ज्यादा एग्जिस्ट करती है, T4 कम है। अच्छा, अब जब वो पेरिफेरल टिश्यूज में चला गया था और कुछ जो था ये, अब देखें यहाँ पर क्या है कि T3 और T4 ये बाइंड हुए हैं प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ। जब T4 बन गया था और वो थायराइड ग्लैंड के अंदर से निकला है तो वो बाइंड हुआ हुआ था ब्लड में, जो है प्लाज्मा प्रोटीन में जाकर बाइंड हो गया, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन में। इसमें जो फिर ये क्या होगा कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर गया और दोबारा सेल के न्यूक्लियस के अंदर गया। अच्छा, अब न्यूक्लियस में जो है वो T3 जाएगा, T4 जो है वो भी T3 में कन्वर्ट होकर न्यूक्लियस के अंदर चला गया। अब न्यूक्लियस में क्या है, एक ये जो है ये जो zigzags है ये तो DNA स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इससे प्री मैसेंजर RNA सिंथेसाइज करेगा। ये यहाँ पर एक फैक्टर है, फैक्टर जो है ये वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जब जो DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, जब वो सिंगल RNA मैसेंजर RNA बनाता है तो उस वक्त जो है उसके लिए उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज होता है और उसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है आर। ये इस रिसेप्टर के ऊपर जाकर ये ट्राइडोथायरोनिन जो है T3 ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये एक प्रमोटर होता है जो कि जीन प्रमोशन करता है। ये क्या कर रहा है कि अब यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम, और वो मैसेंजर RNA इसको बनाएगा। पहले प्री मैसेंजर RNA बनाया और फिर मैसेंजर RNA बनाया, और फिर मैसेंजर RNA से जब प्रोटीन्स बनती है तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन हुई है फिर ट्रांसलेशन हुई है, और फिर ये प्रोटीन्स अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। इसलिए थायराइड हार्मोन जो है वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर चीज में थायराइड हार्मोन का रोल होता है। ये समझ आई है आपको? यस मैम। यस मैम आ गई। ओके मैम। बहुत ऐसा मुझे आवाज आ रही है, आप लोग को मेरी आवाज ठीक जा रही है? यस मैम आपकी आवाज ठीक आ रही है। यस मैम आपकी आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, तो इस तरह जो है वो जेनेटिक जीन लेवल पर इन्होंने बताया कि किस तरह T3 जो है वो विद द हेल्प ऑफ इट्स रिसेप्टर फैक्टर और प्रमोटर के थ्रू जो है ये इन्होंने एक टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट वो फ्रेमवर्क फ्रेम होता है जिसके थ्रू प्रोटीन्स बना रहा है। वो पहले जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की है, जब RNA मैसेंजर RNA बन गया, और मैसेंजर RNA से फिर प्रोटीन बनी है, ट्रांसलेशन उसको कहेंगे। हाइपोथायरॉइडिज्म होगा जब थायराइड ग्लैंड जो है कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड इज मैनिफेस्टेड लार्जली बाय ए रिवर्सिबल स्लोइंग डाउन ऑफ ऑल बॉडी फंक्शन। अब बॉडी फंक्शन सारे स्लो डाउन हो जाते हैं तो बंदा जो है वो स्लगिश हो जाता है, लिथार्जिक हो जाता है, और वेट गेन हो जाता है इसके अंदर।
जिसका स्ट्राइकिंग फीचर है. देयर इज अ स्ट्राइकिंग रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ड्वार्फिज्म होगा बच्चों के अंदर और सीवियर मिट्रल रिगर्जिटेशन होगी. मिट्रल वॉल्व होता है हार्ट के दो एटीएम और वेंट्रिकल के दरमियान, उस वॉल के अंदर जो है वो डिफेक्ट हो जाएगा और वेंट्रिकल से एटीएम में आना शुरू हो जाएगा ब्लड. तो ये मिट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं, एमआर से शो किया हुआ है. तो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म वो है कि जिसमें थायराइड ग्लैंड ने कम हार्मोन्स प्रोड्यूस किए हैं. ये एक तस्वीर दी हुई है जिसमें जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म बताया हुआ है बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर 18 मंथ ट्रीटमेंट के बाद उसका इफेक्ट बताया हुआ है. अच्छा, अब हार्मोन लेवल कम हो गए तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज की है, यानी हार्मोन बाहर से हमने सिंथेटिक हार्मोन बनाकर उनको दे दिए क्योंकि उनमें हार्मोन की कमी है. सिंथेटिक लेवोथायरोक्सिन, सिंथेटिक T4. अब इसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एक सिंथेटिक T4 बनाया और दूसरा एक सिंथेटिक लायोथायरोक्सिन बताया. ये सिंथेटिक T3 है. लायोथायरोनीन बताया है और दूसरा जो है वो लेवोथायरोक्सिन बताया है. T3 और T4, एक सिंथेटिक T4 जो है ये इसके ब्रांड नेम्स हैं. ये सारे जो लिखे हुए लेवोथायराइड, सिंथायराइड. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर यूज हो रहा है इन हाइपोथायराइड पेशेंट्स. इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन रिक्वायर्ड मोर T4 पर kg बॉडी वेट देन एडल्ट्स. एडल्ट्स के मुकाबले में जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है T4 पर kg बॉडी वेट. तो सिंथेटिकली उनकी डोज ज्यादा होगी. एवरेज डोज फॉर एन इन्फेंट इज 10-15 माइक्रोग्राम्स पर kg पर डोज. जो एवरेज डोज फॉर एडल्ट होगी वो 1.7 माइक्रोग्राम्स होगी. अच्छा, इसको हम डेली यूज करते हैं, वंस अ डे ये देते हैं. अच्छा, फिर शुड बी टेकन 30 मिनट्स. अब इसको जो है कोई भी मील लेने से 30 मिनट्स पहले या फिर आफ्टर 1 आवर मील के बाद लेना चाहिए ताकि मील जो है वो इसके एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करता है फूड वगैरह. टेक 6-8 वीक्स टू रीच स्टेडी स्टेट लेवल. स्टेडी स्टेट लेवल ये होता है जब आपकी एक खास कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर स्टेडी हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, तो उसके लिए 6-8 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं. लैब शुड बी रिपीटेड आफ्टर 2 मंथ्स. ये देकर उसके बाद अपने सारे जो टेस्ट हैं TSH वगैरह वो सब दोबारा करवाने पड़ते हैं, लैब टेस्ट दोबारा होते हैं ताकि देखें कि ये इफेक्टिव है कि नहीं, इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं. सिंथेटिक थायराइड हार्मोन, अब इसके रीजन क्या है यूज करने के, कि स्टेबल है, यूनिफॉर्मिटी है, लो कॉस्ट है, एलर्जी नहीं करता, लैक ऑफ एलर्जेनिक फॉरन प्रोटीन्स, इजी लेबॉरटरी मेयरमेंट से इनकी इजीली मेयर हो जाता है, लॉन्ग हाफ लाइफ, 7 डेज, वंस अ डे डोजिंग है. थायराइड हार्मोन्स का यूज क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज हुआ है इन यंग पेशेंट्स और दोज विद माइल्ड डिजीजेस. फुल रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्टेड इन ओल्डर पेशेंट्स एंड इन पेशेंट विद कार्डिक डिजीजेस स्टार्ट ट्रीटमेंट विद रिड्यूस डोजेज. ये थोड़ी डोज से शुरू करते हैं लेकिन यंग में जो है वो फुल डोज देते हैं. मिक्सोएडिमा इसकी एक फॉर्म है जिसके अंदर जो है बच्चों में वो लिथार्जिक बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा वेट गेन होता है. मिक्सोएडिमा कॉमा या मिक्सोएडिमा टर्म्स या हाइपोथायरॉयडिज्म ये अब यूज होती है, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं. ये मिक्सोएडिमा जो है मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें हम लोडिंग डोज देंगे. लोडिंग डोज का कोई आइडिया है? लोडिंग डोज होती है कि जब हमें इनिशियली हम ज्यादा डोज दे देते हैं किसी भी चीज के ताकि प्लाज्मा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाए फॉरन ही. जब हम कोई डोज देंगे तो फिर वो पहले हमने एक डोज दी उसके बाद वो डोज कुछ देर बाद एलिमिनेट हो जाएगी. इनिशियली हमने डोज दी तो एलिमिनेशन रेट जो था वो 0 था, लेकिन जो जो टाइम पास करेगा तो एलिमिनेट भी होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर से. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम डोज दे रहे हैं और वो एलिमिनेट हो रही है तो बराबर होगा रेट ऑफ जिस रेट से हम डोज देंगे वो एलिमिनेट होगा. अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा में वो कॉन्स्टेंट हो जाए. तो कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम एक लोडिंग डोज दे देंगे कि हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पहली डोज दे देंगे.
और फिर पहली डोज जब हम ज्यादा दे देंगे किसी ड्रग की तो वो प्लाज्मा के अंदर कांस्टेंट हो जाएगी, वो सारी की सारी एलिमिनेट नहीं हो जाएगी, एलिमिनेट तो थोड़ी सी होनी है, तो वो उस कांस्टेंट स्टेट को फिर दोबारा मेंटेन रखने के लिए हम मेंटेनेंस डोज देते हैं, यानी रेगुलर थोड़ी थोड़ी डोज देते हैं। सपोज अगर जैसे अब इसमें लिखा हुआ है लोडिंग डोज पहले T4 की जो हम देंगे, क्योंकि मिक्सियोडिमा कोमा जो है ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसके अंदर क्या होगा कि 300 टू 400 माइक्रोग्राम हमने दे दी इंट्रावीनसली इनिशियली, तो बहुत ज्यादा डोज दे दी। और फिर हम मेंटेनेंस रेगुलर डोजेस देंगे 50 माइक्रोग्राम डेली इंट्रावीनसली। अगर T3 देंगे तो कार्डियो टॉक्सिक है एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन है, तो हम पहले इसमें लोडिंग डोज दे रहे हैं, ज्यादा डोज दे रहे हैं, और फिर डोज थोड़ी थोड़ी रेगुलर डोजेस दे रहे हैं। ज्यादा डोज जो हम दे रहे हैं वो 300 टू 400 माइक्रोग्राम है और इंट्रावीनसली दे रहे हैं इनिशियली, और फिर उसके बाद 50 माइक्रोग्राम्स दे रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड प्रेगनेंसी अगर है और हाइपोथायरॉयडिज्म है तो डेली डोज देंगे और एडिक्वेट अमाउंट में देनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन है तो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करना जरूरी है। सिंथेटिक थायराइड हार्मोन, अब इसी तरह पहले हमने सिंथेटिक T4 हार्मोन था, अब T3 का बता रहे हैं, ये लायोथायरोनीन है। लायोथायरोनीन जो है इसकी पोटेंसी ज्यादा होती है, ये इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई है, साइटोमेल ट्रायोस्टैट। ये इसकी अच्छा इसकी ऐसा है कि यूं पीक बनेगी फिर ड्रॉप होगा, पीक बनेगी प्लाज्मा के अंदर फिर ड्रॉप होगी, तो इंक्रीज रिस्क फॉर कार्डिक साइड इफेक्ट सेकेंडरी टू द हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, यानी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, तो सेकेंडरी टू हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इसमें कार्डिक रिस्क है, और दूसरा इसका हाफ लाइफ छोटा है और लार्ज पीक्स बन रही है, एकदम से पीक ज्यादा बनेगी, तो इसलिए जो है इसको जो है ये रिस्क होता है फॉर कार्डिक साइड इफेक्ट्स। अभी तक हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा है, और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर सिंथेटिक T3 और T4 पढ़े जो देते हैं इंट्रावीनसली। अब है हाइपरथायरॉयडिज्म, अब हाइपरथायरॉयडिज्म में वो सारी ड्रग्स आ जाती हैं, और इसके अंदर जो है थायराइड जो है वो हार्मोन जितना चाहिए उससे ज्यादा T3 T4 की प्रोडक्शन शुरू कर दी है। अभी तक सब कुछ समझ आया है, कोई चीज जो ना समझ आई हो? मैम सब क्लियर है। यस मैम। अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एंटीबॉडी मीडिएट ऑटोइम्यून रिएक्शन। ऑटोइम्यून रिएक्शन ये होते हैं कि गलती से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो मिसटेकनली अपनी हेल्दी टिश्यूज या हेल्दी टिश्यूज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, तो ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है, ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीजेज इनको कहते हैं, रिएक्शन कर जाता है, और इससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। लेकिन वो एंटीबॉडीज जो ऑटो एंटीबॉडीज बना रहा है उसकी ट्रिगरिंग सोर्स क्या है, कि जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो रहा है वो नहीं पता, अननोन है। ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है मुख्तलिफ टिश्यूज के ऊपर, हार्ट पर, ब्लड वेसल्स पेरिफेरल ब्लड पर, किडनीज पर, ब्रेन के ऊपर। अच्छा, ये सारे वो दिए हुए कि इनका क्या इफेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो और हाइपर में कंपैरिजन है। हाइपर में हर चीज यूजुअली इंक्रीज करती है, वैसे पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, लेकिन सब कुछ इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। वो जो पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसका जो होता है सिर्फ वेट लॉस एक चीज है जो डिक्रीज होती है, उसकी हंगर भी बढ़ जाती है, उसको जो है ट्रेमर्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो एक्सॉप्थेल्मोसिस हो जाता है यानी उसकी अगर बल्जिंग आईज होती है, यानी ऊपर का जो आई लिड होता है वो यूजुअली उसका आई लिड की रिट्रैक्शन हो जाती है, वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो ऐसा लगता है आंखें बाहर को निकली हुई होती हैं। और जो हाइपो होता है उसके अंदर उसका वेट गेन होता है और बाकी हर चीज जो है उसकी कम होती है। हाइपर में हर चीज ज्यादा होती है लेकिन वेट जो होता है वो उसका कम होना शुरू हो जाता है, जबकि हाइपो में हर चीज कम हो रही है यूजुअली, सिर्फ पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बताया हुआ है ज्यादा हो रही है। हाइपो में हर चीज कम होती है लेकिन उसमें क्या वेट गेन कर लेता है बंदा जो हाइपो होता है, और लिथार्जिक होता है, काम करने को दिल नहीं चाहता, कोल्ड इंटॉलरेंस होती है उसके अंदर, जबकि ये हाइपर में स्वेटिंग हो रही होती है उसको बहुत ज्यादा, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये समझ आ गया क्या हाइपरथायरॉयडिज्म? जी मैम।
अब एंटी थायराइड ड्रग्स क्या हैं? थायोमाइड्स, आयोडाइड्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन, बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसमें थायोमाइड्स का बता रहे हैं। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर अब ये जो लिखा हुआ है थायोमाइड्स, ये बताएंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले थायोमाइड्स इंपॉर्टेंट है। मेथिमाजोल या मेथइमाजोल, मेथइमाजोल जो है और प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये दोनों थायोमाइड्स हैं। इसमें कार्बिमाजोल जो है ये यूजुअली देते हैं पेशेंट को। मोड ऑफ एक्शन इसका ये कि इनहिबिट सिंथेसिस बाय एक्टिंग अगेंस्ट आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन। ये इस पॉइंट पर जहां पर आयोडीन जाकर टायरोसिन के साथ थायरोग्लोबुलिन में इनकॉर्पोरेट करती ताकि टायरोसिन मिले, यहां पर जो है इसको रोकेगा तो ये जो हाइपरथायरॉइडिज्म में T3 T4 प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगी। तो ये दोनों ड्रग्स बोथ मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये दोनों जाकर इस पर इफेक्ट करेंगी। कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन, जब आयोडोटायरोसिन कपलिंग हो जाएगी और ये MIT DIT बनेंगे तो इस पर भी इफेक्ट करेगी। एक तो वो इफेक्ट कर रही है ऑर्गेनिफिकेशन पर और पे कपलिंग पर भी उनकी। ब्लॉक्स पेरिफेरल कन्वर्जन, अब जो T4 T3 में कन्वर्ट हो रहा था यहाँ पे जाकर T4 यहाँ पे ये जो T3 में कन्वर्ट हो रहा था इसके अंदर भी ये इफेक्ट करेगी और वो सिर्फ ये करेगी प्रोपाइल थायोयूरासिल इस स्टेज पर। ये जो नेगेटिव बना हुआ इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्रोपाइल थायोयूरासिल भी करेगी। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन द GIT, ये इसके फार्मेकोकाइनेटिक्स हैं। हाफ लाइफ इसकी 90 मिनट्स है प्रोपाइल थायोयूरासिल की, 6 आवर्स इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है मेथिमाजोल की। मेथिमाजोल जो है इसकी पोटेंसी ज्यादा है देन प्रोपाइल थायोयूरासिल। प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है ये प्रोटीन के साथ ज्यादा बाउंड रहती है। एक्सक्रीशन जो है किडनीज में 24 आवर में जो है ये सारी प्रोपाइल थायोयूरासिल एक्सक्रीट आउट हो जाएगी लेकिन मेथिमाजोल जो है वो 48 आवर्स लेगी। ये इसके ट्रीटमेंट हैं क्योंकि ये हाइपर थायरॉयडिज्म को अफेक्ट करती है तो ग्रेव्स डिजीजेस में देते हैं जिसमें जो है वो हाइपर थायरॉयड होता है पेशेंट। उसके अलावा टॉक्सिक निड्यूलर ग्वाइटर, एक ग्वाइटर होता है जब ग्लैंड आपका यूनिफॉर्मली जो है उसकी ग्लैंड जो है वो एनलार्ज्ड हो जाता है तो वो आपका ग्वाइटर हो गया, जब एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड। लेकिन टॉक्सिक निड्यूलर ग्वाइटर क्या होता है कि लोब्स छोटे छोटे कुछ ग्वाइटर अगर टच करने से पता चलता है जब उनका एग्जामिन करते हैं तो उनके जो है ना लंप से बने होते हैं, कई तरह की गुठलियां सी अंदर बन जाती हैं, उनको मल्टीपल निड्यूलर कहते हैं या फिर एक सिंगल एक साइड पर ज्यादा बड़े एक लंप सा बना हुआ होगा तो वो जो है वो टॉक्सिक निड्यूलर ग्वाइटर होता है। अगर वो सिर्फ आप जब उसको एग्जामिन करते हैं तो वो पता चलता है कि नोड्यूल्स बने हुए लम्स बने हुए। प्री ऑपरेटिवली थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स में देते हैं और इसको यूजुअली अलोंग विद रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ देते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन आगे आएगा वो I-131 होता है रेडियो आइसोटोप्स, उसके साथ इसको दे देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि मैक्यूलोपैपुलर रैश हो जाता है, छोटे छोटे रेड तरह के रैशेस बन जाते हैं छोटे छोटे। बिनाइन ट्रांजिएंट ल्यूकोपीनिया हो जाता है यानी जो WBC ल्यूकोसाइट्स हैं स्पेशली ल्यूकोसाइट्स कम हो जाते हैं इसके अंदर। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स जो है वो उनकी एक इफेक्ट हो जाएगा, काउंट नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो है वो इसमें जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे। हेपेटाइटिस कर सकता है, पॉलीथायोयूरासिल, कोलेस्टेटिक जॉन्डस कर सकता है यानी जो लीवर जब बाइल को निकाल नहीं सक रहा बिलरी ट्रैक के थ्रू या तो कोई गॉल स्टोन्स वगैरह बन गए तो उसकी वजह से जॉन्डस हो गया है मेथिमाजोल की वजह से। ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। वेस्कुलाइटिस है, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम है। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम ये होगा कि ड्रग की वजह से
जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बना रहा है हेल्दी टिश्यूज के अगेंस्ट. जब हेल्दी टिश्यूज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाए और वो उसका कॉज कोई ड्रग हो, कि ड्रग ली थी, बहुत अरसे से ड्रग लिए जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम अब उसको मिस्टेकनली जो है किसी भी हेल्दी टिश्यू था उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिए हैं. तो वो ड्रग जो है वो कॉज है, उसकी वजह से ल्यूपस लाइक सिंड्रोम या ड्रग ल्यूपस लाइक सिंड्रोम हो जाता है, ड्रग इंड्यूस्ड, कि ड्रग की वजह से, ड्रग लेने की वजह से ये हुआ है कि उसने गलती से जो इम्यून सिस्टम अब वो क्या है वो एंटीबॉडीज बना रहा है हेल्दी टिश्यूज के अगेंस्ट. इस तक अभी तक आपको सब क्लियर है? कोई चीज जो पूछनी हो? नो मैम, क्लियर है. ये वो आयोडीन 131 है, रेडियो एक्टिव प्रिपरेशन इसकी सोडियम आयोडाइड 131 है. इसमें जो है मोड ऑफ एक्शन ट्रैप्ड विद इन द ग्लैंड एंड एंटर इंट्रासेलुलरली एंड डिलीवर स्ट्रॉन्ग बीटा रेडिएशंस डिस्ट्रॉइंग द फॉलिकुलर सेल्स. ये रेडिएशन स्ट्रॉन्ग बीटा रेडिएशन के थ्रू जो फॉलिकल सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है. ये इसकी रेंज बताई हुई है 400 to 2000 माइक्रोमीटर. क्लिनिकली ये ज़्यादातर जो है कैंसर में देते हैं, जो थायराइड कैंसर होते हैं और ग्रेव्स प्राइमरी इनअप्रोप्रिएट थायराइड कैंसर्स. अच्छा, अब ये जो होता है ना हार्मोन T3 T4 बन रहा है, ये हमारी बॉडी में ना वैसे भी स्टोर रहता है, तो ये आस्ते आस्ते अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये आस्ते 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 पूरी होती रहती है. तो बहुत अरसा जब डेफिशिएंसी 2 महीने आराम से गुजर जाते हैं उसके बाद फिर ये इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कि अनटिल एंड अनलेस आप जब जो TSH T3 T4 लेवल्स चेक करवाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा इसमें जो है वो ये या कोई इसका कोई सिम्टम बंदे को, कोई उसको टायर्डनेस हो गई है, कोई वो लिथार्जिक हो गया है, और ये तो डिटेक्ट फिर तब होता है जब हम इसके लेवल्स चेक करते हैं ब्लड में. अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है कि इजीली एडमिनिस्ट्रेशन है, इफेक्टिवनेस है, लो एक्सपेंस है, एब्सेंस ऑफ पेन है. आयोडीन 133 ये रेडियो आइसोटोप्स एक्चुअली. थायोअमाइड शुड बी गिवन इनिशियली एंड स्टॉप 5 to 7 डेज बिफोर रेडियो एक्टिव आयोडीन एडमिनिस्ट्रेशन. पहले थायो उसके साथ दे रहे थे इसको, अगर आपको याद हो, थायोमाइड्स के साथ. तो थायोमाइड्स देंगे उसके बाद 5 से 7 दिन पहले ये स्टॉप कर देंगे, फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन देना शुरू कर देंगे. रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 आयोडीन डोजेज जनरली रेंजेस बिटवीन 80 to 120 माइक्रोसेंटी पर ग्राम ऑफ एस्टिमेटेड थायराइड वेट, कुरेक्टेड फॉर अपटेक, मे बी रिपीटेड आफ्टर 6 मंथ्स. 6 मंथ्स के बाद ये रिपीट करनी पड़ेगी. परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है इससे, कि इतनी ज़्यादा दे दी, ये हाइपर थायरॉयडिज्म में दे थे लेकिन अब ये क्या हो गया, इससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया. पोटेंशियल फॉर जेनेटिक जीन डैमेज कर सकता है, मे प्रेसिपिटेट द थायरॉयड क्राइसिस. और कभी कभी ये भी हो सकता है कि इतनी थायरॉयड क्राइसिस कर दे, यानी थायरॉयड हार्मोन बहुत ही ज़्यादा उल्टा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, एक्सक्रीट करना शुरू कर दे. Annoin inhibitors, monovalent annoins such as perchlorates, pertechnates, and thiocyanates can block uptake of iodide by the gland. ये वाली जो शुरू में जो ये आयोडाइड का अपटेक ही काम कर दिया है, हाइपरथायरॉयडिज्म में का जो सोर्स था आयोडीन जो था, T3 T4 बनाने में जो मेन रोल था आयोडीन, वो आयोडाइड भी अपटेक नहीं कर रहा थायराइड, तो ये उसको ना अफेक्ट कर रहा है कि अपटेक ना करे ताकि T3 T4 ज्यादा ना रिलीज हो. अच्छा सर, अब ये क्या है, ये ब्लॉक कर देगा आयोडाइड को बाय द ग्लैंड्स बाय कम्पिटेटिव इनहिबिशन, कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स के तौर पर एक्ट करेगा, कम्पीट करेगा कि भाई आयोडाइड को जो है वो अपटेक ना होने दे, उसकी उसको अपटेक नहीं होने दे रहा. कैन बी ओवरकम बाय लार्ज, लेकिन जब हम अब ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर इनहिबिशन है, लेकिन जब आयोडाइड के साथ ये कम्पीट कर रहे हैं, अगर ये हमने ये एनाइन दे दिए एनाइन इनहिबिटर्स,
तो ये क्या करेंगे, आयोडाइड को नहीं, उसकी जगह खुद जाएंगे और कम्पीट करेंगे, वहां जीत जाएंगे कम्पिटिशन में. लेकिन अगर हमने आयोडाइड्स की अमाउंट जो है डोज बढ़ा दी है, ठीक है, तो ये फिर कैन बी ओवरकम बाय लार्ज डोज ऑफ आयोडाइड्स, फिर आयोडाइड्स जीत जाएंगे. यूजफुल फॉर आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, एमिड्रोलोन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म. जब आयोडाइड की वजह से ज्यादा आयोडाइड इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उसके अंदर ये यूजफुल है. Really used, ये ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया करता है. जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो सब बना रहा है बोन मैरो, तो वो सब जो है उनकी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं इसकी वजह से, तो ये ए प्लास्टिक एनीमिया कर देता है. ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है डाइट, ये थायोसाइनेट है. इनऑर्गेनिक आयोडीन्स मेजर एंटी थायरॉइड्स, ये पहले ये यूज करते थे 1950s में, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ थायोमाइड्स. प्रिपरेशन के इसकी बने हुए इनऑर्गेनिक आयोडीन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशंस है, ल्यूगोल्स इनको कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड या आयोडोन. इनऑर्गेनिक आयोडीन्स ये इफेक्ट कैसे करते हैं, actually blocks release of thyroid hormone from the gland by inhibiting the thyroglobulin proteolysis. ये thyroglobulin जब यहाँ पर ये proteolysis हो रहा है, इस पर इफेक्ट करेगा ये inorganic iodines. यूजफुल इन थायराइड स्टॉर्म, थायराइड स्टॉर्म या थायराइड क्राइसिस एक ही चीज है. थायराइड स्टॉर्म जब हारमोन्स बहुत ज्यादा लेवल में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो यूजफुल इन थायराइड स्टॉर्म्स 2 to 7 days प्री ऑपरेटिवली आयोडाइड डिक्रीजेस वेस्कुलरिटी साइज एंड फ्रेजिलिटी ऑफ द हाइपर प्लास्टिक ग्लैंड. ग्लैंड का जो है जो वो इनलार्ज हो चुका है, तो ये उसको क्या करेगा, उसकी वेस्कुलरिटी साइज वगैरह डिक्रीज करेगा. Caution, it may delay onset of thiamide effect should be given after initiation of the thiamides. The gland will escape from inhibition after 2 to 8 weeks. अच्छा, ये iodinated contrast media. ये iodine इसके अंदर होता है, और ये media जैसे CT scan करते हैं इस तरह होता है. आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया ये ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं, रेक्टली भी दे सकते हैं. ये इसकी एग्जांपल्स 3 दी हुई आगे, आयोपोडेट, आयोपेनोइक एसिड, आयोपेनोइक एसिड, डायट्राइजोएट, वैल्यूएबल इन हाइपरथायरॉयडिज्म बट इज नॉट लेबल फॉर दिस इंडिकेशन. Mode of action, inhibit conversion of T4 to T3. जो T4 की conversion T3 में हो रही थी peripheral tissues में, liver, kidney, brain, उसको नहीं होने देता ये. Another mode of action is due to inhibition of hormone release secondary to iodide levels in blood. ये as an adjunctive therapy के तौर पर या supportive therapy, initial therapy के साथ ये हेल्पिंग थेरेपी के तौर पर दे सकते हैं. थायराइड स्टॉर्म्स के अंदर, थायराइड स्टॉर्म्स में जब बहुत ज्यादा थायराइड क्राइसिस, बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज करने शुरू हो जाए, तो हमने बी याद रखना होता है कि एस बी मतलब यानी ब्लॉक ऑफ सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन, या तो उसके बनना ही हार्मोन्स ऐसा करें, कोई ऐसी ड्रग्स दे दें एंटी थायराइड ड्रग्स के हार्मोन ना बने, या फिर हम रिलीज ऑफ हार्मोन को ब्लॉक कर दें, या फिर हम उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स दें, तो वो सारे जो है वो इसको हार्मोन्स नहीं बनने देंगे. ये थायराइड स्टॉर्म में देते हैं बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल. मोड ऑफ एक्शन क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन, इनहिबिट्स T4 टू T3. ये T4 से T3 में कन्वर्ट होने देते हैं. Ameliorate may distributing side effects of
may disturbing side effects of hyperthyroidism secondary to increased circulating catecholamines by blocking beta receptors. The catecholamines ki circulating catecholamines ko increase kar dega. Indications kya hain? Graves disease mein thyroid storm mein beta blockers denge. ताकि ग्रेव्स डिजीज में जब वो T3 ज्यादा बन रहा है पेरिफेरल टिश्यूज में तो उसको इनहिबिट करेगा T4 को T3 में नहीं बनने देता ब्लॉक कर देता है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रीडनिसोन इज गिवन फॉर पेशेंट्स विद ग्रेव्स डिजीजेस. अच्छा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए भी दे रहे होते हैं कि वैसे ही जो पेशेंट होते हैं ना उसके एड्रीनल ग्लैंड्स में भी एड्रीनल इनसफिशिएंसीज हो जाती है यानी हार्मोन प्रोडक्शन सही नहीं हो रही होती कम हो जाती है तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उन पेशेंट्स को देते हैं. थायराइड पेशेंट्स यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर होते हैं. दूसरा क्या होता है प्रीडनिसोन इज गिवन फॉर पेशेंट विद ग्रेव डिजीज. अब थैल्मोपैथी हो जाती है ग्रेव डिजीजेस पेशेंट्स में वो जो बल्जिंग आइज मैंने बताया कि अपर आईलिड जो है वो अंदर की तरफ इस तरह चला जाता है पीछे की तरफ रिट्रैक्शन हो जाती है उसकी कि वो आईबॉल्स ऐसे लगते हैं बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं. 1 mg/kg/day देंगे इसकी डोज या 60 mg/day 3 dividing doses दे देंगे. इट इफ इट शुड बी गिवन फॉर मोर देन 4 weeks टेपर टू डी. अच्छा जब हमने इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के रूल है एंटी डिप्रेसेंट्स हों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हों इनका रूल होता है कि इन ड्रग्स को टेपर करके ख़त्म किया जाता है इनको फौरन नहीं ख़त्म कर देते थोड़े जैसे 5 गोलियां फिर 4, 3, 2 इस तरह करके टेपर करते हैं इसकी डोज को. थायराइड स्टॉर्म आ गया सडन एक्सेसर्बेशन ऑफ थायरोटॉक्सिक सिम्टम्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है विगोरसली मैनेजमेंट चाहिए होगी इसके लिए. वही प्रोपेनोलोल दे रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देते हैं पर आर और सपोर्टिव थेरेपी देते हैं प्लाज्मा फोरेसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस देते हैं. डायलिसिस पर वो आ जाता है और प्लाज्मा फोरेसिस होता है कि आपका फ्रेश फ्रोजन जो पेशेंट का प्लाज्मा होता है उसको निकाल देते हैं उसकी जगह फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देंगे. अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा में क्या चीज़ थी बाइंडिंग प्रोटीन्स थी जो T3 T4 को बाइंड कर रही थी तो ताकि वो बाइंडिंग प्रोटीन साथ ज्यादा बाइंडिंग प्रोटीन दे देंगे ताकि वो बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड रहे T3 T4 तो ये उसका प्लाज्मा फोरेसिस होता है यानी प्लाज्मा एक्सचेंज कर दिया है. हाइपरथायरॉइडिज्म एंड प्रेगनेंसी आइडियल सिचुएशन ट्रीट बिफोर प्रेगनेंसी हाइपरथायरॉइडिज्म हो हाइपोथायरॉइडिज्म हो ट्रीट करना है. प्रेगनेंसी रेडियो एक्टिव आयोडीन क्लोरीन यूज करेंगे प्रोपाइल थायोयूरेसिल देंगे. डोज लिमिटेशन बताई हुई है कि लेस देन 300 mg/day. मेथिमाजोल अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है फीटल स्कैल्प डिफेक्ट्स कर सकता है. अच्छा इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग्स कॉशन यूज एडवाइस फॉर दोज विद कार्डिक डिजीजेस हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंट वुमेन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म शुड बी कंटिन्यू रखना चाहिए. फीटल ग्रोथ में भी रिटार्डेड इफ मेटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म अगर अनट्रीटेड है अगर ट्रीट नहीं कर रहे तो फीटस पर इफेक्ट होगा. एडजस्ट डोजेज एवरी 4 वीक्स टू कीप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एट द लोअर एंड ऑफ द नॉर्मल रेंज. टीच पेशेंट टू टेक थायराइड ड्रग्स वंस डेली इन द मॉर्निंग. ठीक है जो थायराइड ड्रग्स एंटी थायराइड ड्रग्स वो वंस अ डे दी जाती हैं तो पेशेंट को कहें कि वो दिन में ले ताकि वंस देंगे डेली दें और वंस दें और इंसोमनिया ना हो. तो इसकी वजह से इंसोमनिया क्या होता है कि कोई बताएगा क्या होता है. स्लीपिंग डिस्टर्बेंस स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है नींद नहीं आती तो वो उसको अवॉइड करने के लिए दिन में ले लेंगे. टीच पेशेंट्स टू टेक द मेडिकेशंस एट द सेम टाइम एवरी डे एंड नॉट टू स्विच ब्रांड्स विदाउट फिजिशियन कंसल्टेशन. ब्रांड्स नहीं बदलने चाहिए. और दूसरा कि हर दफा जैसे अगर एक आज डोज अगर 11 बजे लिए तो कल भी 11 बजे ले टाइम पर ले अपनी दवाई यानी कि आज सुबह ही ले लिए कल जो है वो देर हो रही है तो हो रही है. या क्योंकि हम कह रहे हैं जी वंस अ डे देनी है तो क्योंकि हाफ लाइफ भी कोई चीज़ है ना हाफ लाइफ भी होती है हर ड्रग की इस तरह ड्रग इफेक्टिव ही रहती है. फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर कह देता है कि जी इंसुलिन नाश्ते से पहले लगानी है तो बाज़ अवकात लोग नाश्ता कर रहे हैं कोई नहीं
लगा लेंगे इंसुलिन, नाश्ते ही कर रहे हैं, तो वो एक टाइम होता है कि आधे घंटे पहले लगानी है, वरना वो उसकी इफेक्टिवनेस वो नहीं रहती, एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं होती. टीच पेशेंट्स टू रिपोर्ट एनी अनयूजुअल सिम्टम्स, चेस्ट पेन, हार्ट पल्पिटेशंस. टीच पेशेंट्स नॉट टू टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस. ओवर द काउंटर मेडिकेशंस इसमें प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन की नहीं चाहिए होती है, सेफ ड्रग्स जो होती हैं जो ऐसे ही मिल जाती हैं विदाउट फिजिशियन अप्रूवल, वो हर ज्यादा नहीं लेनी चाहिए. टीच पेशेंट्स द थेरापूटिक इफेक्ट मे टेक सेवरल मंथ्स टू ऑकर, जब थेरापूटिक इफेक्ट्स के लिए इन ड्रग्स के काफी टाइम लगता है. थैंक यू. अभी तक कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो? सब समझ आ गया मैम. इसमें बेसिकली थायराइड का फंक्शन पढ़ें कि ग्रोथ करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मुख्तलिफ ग्लैंड्स के ऊपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह पर उसका इफेक्ट होता है. अगर थायराइड हार्मोन्स आपके इम्बेलेंस हैं, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लेवल में नहीं है, तो सारे जितने भी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह वो सब अफेक्टिव होंगे. फिर उसके बाद ये था कि थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 T4 प्रोड्यूस करता है, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है. कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है. फिर उसके बाद इसके अंदर इनका पूरा सिंथेटिक पाथवे पड़ा है जिसमें 5 स्टेप्स बताए हुए हैं कि कैसे आयोडाइड की ट्रैपिंग होगी, ऑक्सीडेशन होगी, पर ऑक्सीडेज की एंजाइम्स की प्रेजेंट में वो आयोडीन बनेगा, आयोडीन फिर टायरोसिन के साथ मिलके कपलिंग होगी उनकी, और फिर वो MIT DIT बनाएगा, फिर उसे T3 T4 बनेंगे, फिर वो T3 T4 थायरोग्लोबुलिन उनकी प्रोटियोलाइसिस होगी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स करेंगे, और फिर वो ब्लड में जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद पेरिफेरल टिश्यूज में जाएंगे, तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में. फिर उसके बाद इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा है, और हाइपोथायरॉयडिज्म की ड्रग्स और हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग्स पढ़ी हैं. अभी तक सब समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. अच्छा, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं आपके, ये सेक्शन डी है ना? यस मैम. इसमें 57 स्टूडेंट्स हैं और जो स्ट्रेंथ है वो है 74 स्टूडेंट्स की. मैम अभी 60 थे, रिड्यूस हो गए हैं. 58 है, तो 58 हो गया. यस मैम, कुछ से पहले 60. कोशिश करें कि स्ट्रेंथ जो है ना वो ज्यादा ही रहा करे. अच्छा, टेस्ट आप लोग का सैटरडे को कहा था ना? यस मैम. ठीक है, क्विज अब तक यहाँ तक थायराइड हार्मोन्स तक ही आएगा जितना भी पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक. तो अभी आपके पास दिन है, तो आप तैयार कर ले, स्लाइड्स अच्छी तरह पढ़ ले, और ज्यादा तो इसी में से आएगा, ठीक है. ओके मैम. थैंक यू जी. थैंक यू. ओके. और आपका 6 बजे होगा ना टेस्ट? यस मैम. यस मैम. ठीक है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, ये कोई जरा जोर से बोले. मैम मैं कह रहा हूँ कि मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो लेक्चर्स वगैरह लेने होते हैं, PPT या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो वो मुझे बता दें कि कौन ग्रुप एडमिन है. वो स्टूडेंट मुझे अपनी आईडी बता दे, मैं उसे अपना नंबर मेल कर देता हूँ, वो मुझे ऐड कर लेगा ग्रुप में. आप क्या कह रहे हैं कि LMS वाला? नहीं नहीं मैम, व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ. मैम व्हाट्सएप क्या कह रहा है? आप लोग ऐड हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे? मैम व्हाट्सएप ग्रुप तो बना हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐड नहीं है, तो वो यही कह रहे हैं कि एडमिन अपनी आईडी बता दे. तो अच्छा, ये फिर मैं ऐसा करती हूं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेती हूं जिसमें सारे लोग ऐड कर लेती हूं, ठीक है? यस मैम. यस मैम, ये ठीक है. हां, सारे ग्रुप ऐड कर लेते हैं सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रह ना जाए. और आज ही आपको ना स्लाइड्स में फिर सारी शेयर कर लूंगी, ठीक है? ओके मैम. हम सब पिछला लेक्चर आपको शेयर नहीं ना हुआ? नो मैम, लास्ट लेक्चर नहीं मिला. अच्छा, वो रिकॉर्डिंग्स में आज जाके, तो इंशाल्लाह आज ही आपको रात तक ना ये सेंड कर देती हूँ, ठीक है? और ग्रुप भी आज बना दूंगी. मैम, हम सब एलएमएस में एनरोल्ड हैं.
तो आप हमें LMS पे लेक्चर्स अपलोड कर दें। LMS पर एक्चुअली ना मुझे LMS का आइडिया ही नहीं है चलाने का, तो मैंने आज वो मैं पूछ रही थी इधर किसी से, ऑनेस्टली मुझे उसका पता नहीं है। मैं अब जाकर ही देखूंगी कि LMS किस तरह होगा, अगर तो LMS पर हो गया तो मैं कर दूंगी, मैंने ग्रुप बना के उसमें शेयर कर दूंगी सारी स्लाइड्स। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू जी, ओके।